हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, अमित आहूजा येट अगेन। और रात के मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली 10 बजने के कटाई में, एंड मैं आज ये वीडियो इम्प्रॉम्प्टू शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक टूल के लिए बहुत ही एक्साइटेड था और वो अभी आया है। एंड मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये इसका पैकेज, ये अभी मैंने फाड़ा है इसको। और ये टूल मैंने इसलिए ऑर्डर किया चाइना से कि मुझे लगा कि मेरे जो इंडियन टेक्नीशियंस हैं, जिनको मैं ये पावर प्रोब के बारे में इतना मैं दिखाता रहता हूँ, और मैंने कहा कि पावर प्रोब ऑब्वियसली ये पावर प्रोब 4 है एंड ये काफ़ी महंगा टूल है, तो मैंने कई ऑप्शंस ढूंढे। और ऑटो मैकेनिका में इस कंपनी ने, आईडियो टेक ये कंपनी है, इसने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने ये टूल भेजा, ये और साथ में इतना बड़ा ये ये PT101। और इसके मैं काफ़ी टाइम से आई वॉज वेरी एक्साइटेड। ये टूल मेरे को, इनको मैंने अप्रॉक्सीमेटली $90 दिए। ये रहा ये कंपनी का नाम, आईडियो टेक, टेक इट आउट। और $90 दिए, ड्यूटी भरी, 3600 रुपये की आज ही। और जब ये टूल आया तो मैंने कहा कि यार मैं इसे, लेट मी कंपेयर इट टू एक मल्टीमीटर है और ये मेरा पावर प्रोब है और ये रहा ये आईडियो टेक का। ये वीडियो का पर्पज इसलिए है माय फ्रेंड्स कि मैं कुछ भी चीज को प्रमोट करने से पहले या कुछ भी उस के टिप्पणी करने से पहले, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं उसको खुद मंगा के चेक करता हूँ, चाहे वो स्कैन टूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये आप, ये पीछे आप देखिएगा कि ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, ये मेरी इतनी ऑटोमोटिव बुक्स है एंड एवरीथिंग, इधर ले आओ वापस। ओके, सो एंड द अदर रूम, ये मेरा ऑफिस है एंड एवरीथिंग। तो मेरे को, मैं इतना एक्साइटेड था इस टूल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्साइटमेंट जो है वो टोटली मिसप्लेस्ड है। और मैं सिंपली आप लोगों को ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इस कंपनी एक्स ट्यूनर, आईडियो टेक, इससे बच के रहें। ये मेन्यूज, ये देखिए कितने बढ़िया मेन्यूज हैं इनके। ये वोल्टेज आपको डीसी की दे रहे हैं, एसी की दे रहे हैं, रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं, डायोड का फंक्शन भी दे रहे हैं और एम्पेयर भी दे रहे हैं। और मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं कि अब आप इसके कंपैरिजन देखिए, लेट्स नाउ डू द कंपैरिजन। अब साहब शोएब इधर, ये मल्टीमीटर की टिप्स को ले, ये लगा नेगेटिव और पॉजिटिव। अनीता तुम मुझसे शूट करना कि हम वोल्टेज क्या देख रहे हैं, व्हाट इज द वोल्टेज वी आर सीइंग, कितना है, 12.59। ओके, अब नीता अपना हाथ हटा लो और ये लगा के रखियो। अब ये कितनी वोल्टेज देख रहे हैं, 12.58। राइट, प्रैक्टिकली जो मल्टीमीटर में देख रहे हैं, करेक्ट। और ये डीसी वोल्टेज है, देख लीजिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, 12.82। ये देख लो सर, सारे के सारे मेरे टेक्नीशियन भाइयों, कि स्ट्रेट वे हमारे पास ये 20 समथिंग मिली वोल्ट से कहाँ से आ गए, आई डोंट नो। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं,
मैं इस टूल से इतना एक्साइटेड था एंड इतना मैं डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ कि ये सारे पैसे मेरे ख़राब गए। बट एनीवे कोई बात नहीं, मेरे टेक्नीशियन भाइयों का अगर फ़ायदा होता है तो आई एम मोस्ट विलिंग। अब ये देखिए, ये मैंने इसको ग्राउंड कनेक्ट किया और ये मैंने पावर प्रोब को कनेक्ट किया और ये देखिए ये बल्ब जल रहा है, राइट। और ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी बार मैं दबा रहा हूँ देयर इज नो प्रॉब्लम। और अब आप इस टूल को देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत जल्दी ये कुछ कंपनी इसको प्रमोट करने वाली है एंड उससे पहले, बल्कि मैं खुद आई वॉज रियली एक्साइटेड कि और इसमें क्या है कि अगर मैं इसको वोल्टेज में लेता हूँ तो जनाब ये बल्ब को जलाता नहीं है, सो अपेरेंटली इसको मेरे को एम्परेज में लेना पड़ता है, टिप करंट मुझे चेक करना पड़ता है, ये यू नो 0.6 एम्प बता रहा है। अब आप देखिए, अब मैं इस को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखिए क्या भाई जान क्या, एक बार इसने जलाया और अब दोबारा जला रहा हूँ, ये बोल रहा है वोल्टेज एम्परेज लो एम्परेज लो, जरा ध्यान से इसको जरा लो एम्परेज लो, और एम्परेज लो में ये बता रहा है कि बैटरी में करंट नहीं है एंड ये इसी बैटरी में ये मैंने पावर प्रोब को कनेक्ट किया और जनाब ये देखिए ये बल्ब मैं जितनी बार मर्जी में जला रहा हूँ। सो मेरा जो पॉइंट है इस वीडियो का, इस छोटे से वीडियो का, वो ये है कि मेरे लिए भी एक लर्निंग लेसन है कि ये चलिए कोई बात नहीं, मेरे 10,000 रुपये खराब हुए लेकिन कम से कम मेरे टेक्नीशियन भाइयों के खराब नहीं हुए। सो माय ओनली पॉइंट इज कि हम लोग यू नो टिपिकली टेक्नीशियंस का दिमाग होता है कि हम अपना जितना पैसा बचा सकते हैं बचाते हैं, बचाना भी चाहिए, लेकिन व्हेन आई एम कंपेयरिंग दिस टूल, जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कहीं पे भी खड़ा नहीं हो रहा, जबकि ये दिखने में यू नो प्रैक्टिकली बहुत कुछ है और ये आपको इतनी बड़ी बुकलेट भी दे रहा है और यू नो मेरे हिसाब से, और ये पीछे आप कंपनी का भी नाम दिखा दी, मेरे हिसाब से आपने ये देख ही लिया होगा कि इसकी रीडिंग्स कितनी गलत है। सो मेरा माय फ्रेंड्स यही कहना है कि मेरे लिए तो आज बड़ा डिसअपॉइंटिंग दिन था, बिकॉज मैंने सोचा था कि ये जो पावर पॉप 4 है और इसका कोई मुकाबला करने वाला टूल आ गया है ऑटो मैकेनिका डेली में, मैं इस कंपनी के साथ यू नो बहुत सारी मेरी बातचीत हुई एंड बहुत एक्साइटेड था मैं ये पतली पतली वायर और ये वो के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो एक्चुअली मैंने आपको दिखाया है द रीडिंग्स आर टोटली इनएक्यूरेट। इस टूल के ऊपर कृपा करके आप लोगों में से कोई भी, चाहे वो जो मर्जी कंपनी इसको प्रमोट कर रही हो, इसके ऊपर पैसा मत लगाइएगा। मैंने आपको दिखा दिया है द रीडिंग्स आर टोटली बिल्कुल ही गलत है और आई डोंट नो इन चाइनीज कंपनियों के तो भगवान ही मालिक है। बट एनीवे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लगा तो यू नो थम्स अप दे देना, एक तो थम्स डाउन तो देते ही रहना है यार, उसमें क्या दिक्कत है। बट अपने क्वेश्चंस का, सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा एंड कोई बात नहीं, इट्स यू नो ये जिंदगी है, इसमें हम
बहुत कुछ हमने टूल्स लेने हैं, करने हैं, सीखने हैं। मैं तो आप लोगों को एक अपनी जितनी मेरी नॉलेज है उसमें गाइड करने के लिए बैठा हूँ। एंड लेट्स हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स एंड वी सी फॉर अ न्यू डे टुमारो। बाय बाय।